दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक खुद डिसीजन लेते हैं और रिस्क लेने की क्षमता रखते हैं, और एक वैसे लोग हैं जिनको तो बदलाव चाहिए लेकिन वो कुछ करते नहीं हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं और ये सोचते हैं कि सामने वाला रिस्क लेगा और उसे उसके कंधे पे बंदूक रख करके वे मैच को जीत जाएंगे। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एग्जिट एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो हैं और बहुत सारे वीडियो में एग्जिट एग्जाम के विरोध से संबंधित बातें आपको दिखाई दे रही हैं। ये तो सही है कि एग्जिट एग्जाम नहीं होना चाहिए क्योंकि ये 20 सेशन से लागू किया जा रहा है और जो सिलेबस भी है वो बिल्कुल भी अलग है और जो 50% पास होने की इसमें शर्त रखी गई है वो भी बिल्कुल भी एक तरह से न्याय नहीं है स्टूडेंट के साथ, और सिर्फ इंग्लिश मीडियम में एग्जाम होगा यानी क्वेश्चन सिर्फ इंग्लिश में होंगे तो वो भी बिल्कुल भी तर्क संगत नहीं है और किसी भी तरह से हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट उसको नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि एग्जिट एग्जाम जरूर होगा, क्योंकि जब मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर कम्युनिटी टैब में क्वेश्चन पूछा कि आप में से कितने विद्यार्थियों ने सीएम या पीएम को लेटर लिखा है एग्जिट एग्जाम को नए सेशन से करवाने के लिए या उसमें सुधार करवाने के लिए, तो मुझे बहुत ही अफसोस हुआ कि मात्र जो 60% लोग हैं वो चाह रहे हैं कि एग्जिट एग्जाम जो हो नए सेशन से हो और उसमें सुधार हो, और 40% अभी भी वैसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक कोई भी रिस्पांस नहीं दिया, लेटर नहीं लिखा है ना तो सीएम को ना ही पीएम को और ना ही किसी स्वास्थ्य मंत्री को अपने 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 राज्य में। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर आप लोग सोच क्या रहे हैं, आप ये भी चाहते हैं कि एग्जिट एग्जाम जो है वो ना हो और आप उसके लिए कुछ करना भी नहीं चाहते हैं, ये तो बहुत बड़ी विडंबना है। अब आप जब मैं कमेंट पढ़ता हूँ अपने वीडियो पर तो लोग बोलते हैं हाँ विरोध होना चाहिए, एग्जिट एग्जाम रुकना चाहिए, न्यू सेशन से लागू होना चाहिए, और जब मैं उनसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या आपने इसके लिए कुछ किया या आपने आपने लेटर लिखा और लेटर का फॉर्मेट भी मैंने बता दिया है कैसे लिखना है जो कि एक यूट्यूबर थे उन्होंने बताया था, तो बहुत ही निराशाजनक स्थिति है। मतलब लोग चाहते हैं कि एग्जिट एग्जाम ना हो लेकिन उसके लिए कुछ करना नहीं चाहते। तो मुझे नाना पाटेकर का ये डायलॉग याद आ रहा है कि आप सबकी नामर्दगी और बुजदिलगी आपके जो है एग्जिट एग्जाम होने का कारण बनेगी। अब आप कुछ कीजिए, अभी भी टाइम है, आपने अपना लेटर जो है लिखिए, उसको अपने हाथों से लिखिए या टाइप कीजिए और उसको स्पीड पोस्ट कीजिए, अपनी बात रखने का मौका दीजिए। अब आप चाहते हैं कि कुछ भी ना करें और सब कुछ हो जाए तो वैसा होने वाला नहीं है और फिर आप एग्जिट एग्जाम के लिए तैयार रहिए। मेरे इस वीडियो से बहुत सारे लोगों को ठेस भी पहुँची होगी लेकिन मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि बिना कुछ किए कुछ हासिल नहीं होती, और ये भी सही है कि कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती, कोशिश जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।